अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज जो है वो हमारा पहला मैच है अगेंस्ट यूएसए। यूएसए की टीम जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लास्ट ईयर भी उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही थी थ्रू आउट द टूर्नामेंट, और इस साल भी उनकी सेम टीम ही आई है, सेम स्क्वाड है उनका। हम एयरपोर्ट के बाहर मिले और बस भी जो है वो सेम थी। फिर हम लोग जो यूएसए के कोच हैं वो मेरे साथ बैठे, तो उनसे वैसी बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने यही बताया कि जो मोस्टली प्लेयर्स हैं उनके वो हैं तो यूएसए के सिटीज़न, लेकिन रेफ्यूजीज़ हैं जो कि थाईलैंड, मलेशिया और डिफरेंट कंट्रीज़ के हैं जो कि यूएसए आए और वहाँ पे उन्होंने सिटीजनशिप ली। क्योंकि मैं जब भी यूएसए के प्लेयर्स देखता हूँ तो हमारे जहन में वही आता है कि यार यूएसए के प्लेयर्स हैं ये तो गोरे होंगे, लेकिन वो सारे जो हैं वो उस शेप के बने हुए जो चाइना और मलेशिया और थाईलैंड की शेप होते हैं ना। तो आई होप समझ गए होंगे आप लोग। तो आज बहुत अच्छा मैच होने वाला है और आज का मैच हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि जाहिर सी बात है पहला मैच है। पहला मैच अगर जीतेंगे तो आगे के मैचेस हमारे लिए आसान हो जाएंगे, और टूर्नामेंट भी जो है वो वैसे तो लीग बेस्ड है, लेकिन ये कि यार जाहिर सी बात जब आप पहला मैच ही जीतोगे तो आपके कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाएगा। लेकिन हमारी टीम इस साल इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी लास्ट ईयर थी, क्योंकि दो जो मेन प्लेयर्स हैं हमारे उनको स्पॉन्सर नहीं मिला और वो हमारी टीम के साथ नहीं आ सके, और हमारी टीम भी शॉर्ट है इस साल। और लेट्स सी हम लोग कैसा परफॉर्म करते हैं। तो भाई टाइम हो रहा है इस वक्त 7:15, तो तकरीबन 15-20 मिनट है मेरे पास रेडी होने के लिए। अभी रेडी होंगे और नाश्ता करेंगे। नाश्ता करने के बाद बस में बैठ के तकरीबन 20 से 25 मिनट का रास्ता है, 20-25 मिनट में हम लोग ग्राउंड पहुंच जाएंगे, थोड़ी बहुत ट्रेनिंग करेंगे, और ट्रेनिंग के बाद हमारा मैच का जो टाइम है वो है 9:30। तो तकरीबन हमारे पास 1 घंटा होगा जिसमें हम थोड़ी बहुत प्रैक्टिस या ट्रेनिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे इंडोनेशिया वर्सेस कोरिया बड़ा ही ज़बरदस्त मैच चल रहा है, बहुत इंटेंस सिचुएशन है यहाँ पे। इंडोनेशिया के 18 पॉइंट हैं और कोरिया के 17 हैं, भाई एक पॉइंट और चाहिए। ओए बहुत आउट क्लास यार, इंडोनेशिया की टीम बहुत फॉर्म है आज, आज ये जीत की जाएगी यहाँ से। तो भाई पहला मैच जो था वो हमारा यूएसए के ख़िलाफ़ था, तो उस मैच में तो हम लोग जीत नहीं सके क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम थी इस दफ़ा उनकी। वो बहुत अच्छी ट्रेनिंग करके आए हुए थे और हमें क्या बल्कि बहुत सारी टीम ने उनकी तारीफ़ की कि इस दफ़ा उन्होंने जो है वो बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट करके आए थे इस दफ़ा। तो अनफॉर्चुनेटली इस दफ़ा हम लोग नहीं जीत सके यूएसए से। लेकिन जो हमारा सेकेंड मैच था वो सेकेंड डे हमारा हुआ जर्मनी से, तो जर्मनी के मैच में हमारे लड़कों ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग वो मैच जीत गए जर्मनी के ख़िलाफ़। तो अभी हमारे 3 मैचेस और बाकी हैं, तो कल का दिन तो हमारा गैप है,
कल जो है हमारा रेस्ट डे है, कंप्लीट रेस्ट होगा हमारा कल। कल कोई एक्टिविटी नहीं है। एक्टिविटी से मुराद ये कि हमारी अपनी पर्सनल एक्टिविटी है जो हमारी पूरी टीम जो है वो, एक जू का विजिट है हमारा, तो हम वहाँ जाएंगे कल। और उसके नेक्स्ट डे हमारा एक मैच है, फिर उसके बाद दो मैच जो हैं वो डिफरेंट डेज में होंगे। तो इस तरह से पूरा शेड्यूल है हमारा। वैसे शॉर्ट क्लिप्स हम लोग छुप छुप के बना रहे थे, लेकिन प्रॉपर वीडियो बनाना, मतलब ट्राइपॉड पे रख के वीडियो बनाना, वो अलाउ नहीं था वहाँ पे। तो हमने छोटे मोटे शॉर्ट क्लिप्स तो बनाए थे अपनी टीम के भी और दूसरी टीम से भी, वो मैंने अपलोड कर दिए। ये मैच बहुत ज़बरदस्त किया था शुरू में, जो है वो जर्मनी की टीम लीड ले रही थी, लेकिन हमने बहुत अच्छा कवर किया और पहले उनकी लीड को ख़त्म किया, और उसके बाद जो है हमने उनके ऊपर 3 पॉइंट्स की लीड ले ली। और उसके बाद वो इतने प्रेशर में आ गए कि फिर वो स्पीड को कवर ही नहीं कर सके। ये विनिंग मोमेंट था जिसमें हम लोग सारी बल्कि खुश थे, टीम मैनेजर, कोच, कैप्टन, सभी टीम प्लेयर खुश थे बहुत।